यदि कोई व्यक्ति संतान प्राप्त करना चाहता हो, आज एक पत्र भी आया हमारे पास, परंतु इसका उत्तर हम कल देंगे, क्योंकि इससे संबंधित कथा कल रहेगी। तो कोई व्यक्ति यदि पत्र भी लाना चाहे तो अपना प्रश्न पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, उत्तर आपको मिल जाएगा। आप पत्र लिख करके यहाँ भेज दें तो आपके प्रश्न का उत्तर कथा के बाद कथा के साथ में आपको मिल जाएगा। जिस व्यक्ति के संतान नहीं हो और कोई व्यक्ति संतान प्राप्ति का उपाय करना चाहता हो शिव महापुराण कथा के अनुसार, तो ये उपाय केवल वैशाख महीने में ही करने का है, ये ध्यान रखना। बाकी महीने में आप करोगे तो इसका फल नहीं मिलेगा, वैशाख महीने में ही अगर आप करोगे तो इसका फल आपको मिल जाएगा। एक मिट्टी के कलश में जल भरे और एक तांबे के कलश में जल भरे। मिट्टी के पात्र के ऊपर तांबे का पात्र रखें, जल भर के शिव मंदिर ले जाएं और शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव के समीप बैठ जाएं और महाराज दक्ष प्रजापति, महाराज प्रजापति, प्रसूति और वीरणी, इन तीन का नाम आप लें, ध्यान करें। इन तीनों का स्मरण करते हुए आप हो सके तो बड़ के पेड़ के नीचे यदि आपको कोई शिवलिंग स्थापित किया हुआ मिल जाए, ध्यान दें आप मेरी बात पे, आप अपने घर से एक मिट्टी के पात्र में जल भरें, एक तांबे के पात्र में जल भरें, मिट्टी का पात्र उसके ऊपर ताम्र का पात्र रखें, लेकर के आप जाएं, कहां जाएं, बड़ के पेड़ के नीचे यदि शिवलिंग स्थापित किया हुआ आप मिल जाए तो बड़ के नीचे जाएं और बड़ के नीचे शिवलिंग जो स्थापित है उस शिवलिंग पर जाकर के सीधे हाथ में मिट्टी का पात्र पकड़ें, उल्टे हाथ में तांबे का पात्र पकड़ें और दोनों हाथों से भगवान शिव को जल अर्पण करें। और जल अर्पण करते हुए प्रसूति, प्रजापति और वीरणी का चिंतन करें, ध्यान करें और उसके बाद उस स्थान पर बैठ करके संतान प्राप्ति की कामना से आप थोड़ा सा जल पान करें, प्रणाम करें भगवान शिव को और उठ करके आप घर चले आए, आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाएगी। परंतु ध्यान रहे ये उपाय केवल वैशाख महीने में ही करना है, वैशाख माह में ही ये उपाय आप कर सकते हो।